हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं खेमेंद्र शर्मा नई वीडियो लेक्चर के माध्यम से नए टॉपिक के साथ उपस्थित हूं। टॉपिक आज का वेरिएबल्स ऑफ मेजरमेंट, मापन के चर, पेपर कोड B403, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। छात्रों, हम बात करते हैं चर होते क्या हैं, वेरिएबल्स होते क्या हैं। ठीक है छात्रों, तो हम बात करते हैं चर की। चर का नाम आपने सुना होगा, चर क्या होता है। तो मापन की दृष्टि से चरों से तात्पर्य वस्तुओं, प्राणियों अथवा क्रियाओं के उन गुणों से होता है जिनमें किसी समूह की वस्तुएं, प्राणी अथवा क्रियाएं समान नहीं होते। अतः जैसे मनुष्यों का भार, बुद्धि एवं व्यक्ति, ये तो हो सकता है कि मनुष्यों के किसी समूह के 2-4 सदस्यों का भार समान हो, परंतु समूह के अन्य सदस्य व्यक्तियों का भार समान नहीं हो सकता। और यदि जानबूझकर ऐसे व्यक्तियों के समूह का निर्माण किया जाता है जिसके सभी सदस्यों का भार समान हो, तो फिर उस समूह के लिए भार चर न होकर अचर हो जाता है। ठीक है, चर की हम बात करते हैं। चर जैसे हम मापन करते हैं किसी विशेषता का, किसी प्राणी का, तो उस प्राणी की जो विशेषता होती है जिसका मापन किया जाता है, वस्तु या प्राणी की जो विशेषता होती है उसका मापन करने के बाद मापन के आधार पर उसका स्थान या एक स्थिति के बारे में बताया जाता है या उसको निर्धारित किया जाता है, वो चर कहलाता है। ठीक है छात्रों, नेक्स्ट है चर के प्रकार, टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। तो पहला है गुणात्मक चर या गुणात्मक मापन, मात्रात्मक चर या मात्रात्मक मापन। ये गुणात्मक क्वालिटेटिव वेरिएबल्स, हम इनको मापन भी कह सकते हैं, क्वालिटेटिव माप मेजरमेंट। ठीक है, गुणात्मक मापन एवं मात्रात्मक मापन आपके सिलेबस में दे रखा है, आप देखोगे, कभी आप कन्फ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। कभी आप सोचो कि सर ने कहा है चर, ठीक है, वेरिएबल्स कह रहे हैं और सिलेबस में लिखा हुआ है कि मेज़रमेंट, क्वालिटेटिव मेज़रमेंट एंड क्वांटिटेटिव मेज़रमेंट। तो बात एक ही है, यानी कि ये जो हम विशेषताओं की हम बात कर रहे हैं, चर की जो बात कर रहे हैं, गुणात्मक चर की जैसे हम बात करते हैं, गुणात्मक चर वे चर होते हैं जिनमें गुणों का मापन किया जाता है, व्यक्ति या वस्तुओं की गुणों का मापन किया जाता है। जैसे आप कह सकते हैं वस्तुएं अथवा प्राणियों के कुछ गुण ऐसे होते हैं जिन्हें केवल देखा समझा जा सकता है, निश्चित इकाई अंकों में मापा नहीं जा सकता। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारा रंग, रूप, जाति, धर्म, लिंग, ठीक है, इनको आप इसका मापन नहीं कर सकते, सिर्फ क्या कर सकते हैं, अंकों में नहीं माप सकते, सिर्फ देखा और समझा जा सकता है। ठीक है, मनुष्यों के इन गुणों को गुणात्मक चर कहते हैं या गुणात्मक मापन कहते हैं। छात्रों का कक्षा स्तर, जैसे गुणात्मक चर का एक अन्य एग्जाम्पल है, कह सकते हैं हम चर के आधार पर उन्हें निम्न, हम कहते हैं कोई छात्र ये सामान्य छात्र है, ये औसत छात्र है, ये उच्च स्तर के छात्र हैं, ठीक है, कमज़ोर छात्र हैं, सामान्य है, प्रतिभाशाली छात्र हैं, तो वहाँ पर इन छात्रों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। उच्च कक्षा के छात्रों को तो विषयों के आधार पर कला, वाणिज्य, विज्ञान, इंजीनियरिंग, है ना, एवं मेडिकल आदि छात्रों के रूप में भी वर्गीकृत किया जाता है। इस स्तर पर पाठ विषय भी गुणात्मक चर का एक मापन करते हैं। ठीक है छात्रों, जहाँ गुणात्मक मापन की अगर हम बात करते हैं या गुणात्मक चर कभी आता है, तो गुणात्मक चर या गुणात्मक मापन वे मापन होते हैं जिसके अंतर्गत किसी वस्तु या व्यक्ति की गुणों का मापन किया जाता है। ठीक है, या गुण अथवा विशेषता के आधार पर वो उसका समाज में निर्धारण करना, ठीक है, वो गुणात्मक मापन कहलाता है। नेक्स्ट है मात्रात्मक। हम यहाँ पर एक बात और इसका एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे व्यक्तियों के किसी समूह को लिंग भेद के आधार पर पुरुष महिला वर्गों में, छात्रों को अनेक अध्ययन विषयों के आधार पर कला, विज्ञान व वाणिज्य वर्गों में। जैसे हम कहते नहीं हैं कि आर्ट्स के स्टूडेंट कौन कौन है, साइंस के, कॉमर्स के, ठीक है, तो हम यहाँ पर इन्हें क्या किया, हमने डिवाइड किया है
वर्गों में, अलग अलग वर्गों में विषयों के आधार पर, ठीक है, अथवा किसी शहर के निवासियों को हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वर्गों में बांटा जा सकता है। जैसे शहर में आप देखते हो ना, एक क्षेत्र में हिंदू निवास करते हैं, दूसरे क्षेत्र में एक कॉलोनी है वहाँ पर सिख हैं तो सब सिख ही सिख रहते हैं, एक कॉलोनी है मुस्लिम समाज की तो वहाँ पर सभी मुस्लिम होते हैं, तो हम वहाँ पर क्या कहते हैं कि वो जो मोहल्ला है वो कॉलोनी है वो मुस्लिम समाज की है, एक सिख समाज की, एक हिंदू समाज की है, ठीक है। इस तरीके से हमने क्या किया है यहाँ पर, किसी शहर के निवासियों को हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वर्गों में बांटा है। इनमें लिंग भेद, अध्ययन वर्ग व धर्म एक तरीके से क्या है, गुणात्मक चर है, गुणात्मक मापन है, क्योंकि ये संबंधी गुणों के प्रकारों से बने वर्गों में को व्यक्त करते हैं, है ना। यहाँ पर गुणों के आधार पर हमने उसको वर्गीकृत किया है। सपोजिट हम बात करते हैं इसकी विशेषताओं की, गुणात्मक मापन की अगर हम बात करते हैं तो गुणात्मक मापन के मानदंड प्रायः सर्वमान्य नहीं होते हैं, इनके जो मानक होते हैं, जो नॉर्म्स होते हैं वो सर्वमान्य नहीं होते हैं। यदि एक बालक किसी शिक्षक की फॉर एग्जांपल, यदि एक बालक किसी शिक्षक की नज़र में, किसी एक टीचर की नज़र में उत्तम बालक का दर्जा प्राप्त करता है, कोई टीचर कहता है उसकी नज़र में वो बच्चा बहुत अच्छा है, बट ये आवश्यक नहीं कि वो अन्य जो टीचर्स हैं उनकी नज़र में भी इस श्रेणी को प्राप्त करे, एक उत्तम दर्जा प्राप्त करे, यानी अच्छा स्टूडेंट्स का दर्जा प्राप्त करे, क्या पता उन टीचर्स की नज़र में उसकी विशेष उसकी जो गुणों की गुणों उसका जो गुण की विशेषता है वो अलग हो, ठीक है। अतः गुणात्मक मापन निश्चित प्रमाण की ओर संकेत नहीं करते हैं। नेक्स्ट आप कह सकते हैं गुणात्मक मापन में शून्य की स्थिति नहीं होती है, जैसे शून्य की स्थिति नहीं होती है, जैसे किसी बच्चे में शैक्षिक उपलब्धि का पता लगाना हो तो बुद्धि लब्धि का कोई शून्य बिंदु नहीं होगा। यदि बच्चे की शैक्षिक लब्धि या बुद्धि लब्धि आईक्यू लेवल शून्य दर्जा दी भी गई हो तो भी वास्तविकता के जो रियलिटी है उससे परे है। नेक्स्ट आप कह सकते हैं गुणात्मक मापन कभी भी 100% नहीं किया जा सकता। अब आप समझ रहे होंगे, जैसे किसी बच्चे की नैतिकता का मापन 100% नहीं हो सकता, ठीक है। आप नहीं कह सकते 100% ये बच्चा सही है, जैसे किसी कोई बच्चा है उसमें अच्छे गुण हैं तो आप ये नहीं कह सकते सारे का 100% ये बच्चा धर्मराज युधिष्ठिर है ना, आज के समाज में। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी, नेक्स्ट इसका जो है क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स, मात्रात्मक चर। देखिए ये खुद अपने नाम से बता रहा है, जैसे आपने पहले पढ़ा गुणात्मक मापन या गुणात्मक चर, तो गुण है ना, वहाँ पर क्वालिटी का मापन किया गया उसके अंतर्गत तो गुणात्मक मापन कहलाता है। यहाँ हम करते हैं मात्रात्मक चर या मात्रात्मक मापन, तो क्वांटिटेटिव यानी क्वांटिटी के आधार पर जहाँ पर मापन किया जाता है ऐसे चर या मापन, ऐसी विशेषता वो मात्रात्मक चर कहलाती है, ठीक है, मात्रात्मक चर कहलाते हैं। वस्तुओं अथवा प्राणियों के कुछ गुण ऐसे होते हैं जिन्हें मात्रा निश्चित इकाइयों में मापा जा सकता है। जैसे हम गुणात्मक की बात करते हैं तो वहाँ पर कोई विशेष विशेषता, अच्छाई है ना, रंग, उसको हम तौल नहीं सकते ना, माप नहीं सकते अगर, लेकिन मनुष्यों की जैसे हो गया वजन हो गया, हाइट हो गई, लंबाई हो गई, तो उसको हम माप सकते हैं, ठीक है, एक निश्चित इकाई में। जैसे लंबाई 6 फुट है तो 6 फिट एक मापन में आप लिख सकते हैं ना, मापन में आपके 6 फिट है, सेंटीमीटर 6 फिट इतनी सेंटीमीटर है, वो है एक निश्चित इकाई, अंकों में आप उसको लिख सकते हैं। वजन की हम बात करें भार की, तो 10 किलो, 20 किलो, 50 किलो, 60 किलो, 1 क्विंटल, ठीक है, इस तरीके से हम वजन को नाप सकते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं जो मात्रात्मक चर होते हैं या मात्रात्मक मापन होते हैं वो उसकी ऐसी कोई वस्तु जिसकी भौतिक जगत में सत्ता हो, यानी इसमें यहाँ के ना आप देख सकते हो फिजिकली, ठीक है, इन गुणों को मात्रात्मक चर कहते हैं। इसके भी दो भाग हैं, दो प्रकार के होते हैं, सतत चर एवं असतत चर, कंटिन्यूस वेरिएबल्स एवं डिस्क्रेट वेरिएबल्स या मापन, सतत मापन भी कह सकते हैं यहाँ पर, असतत मापन भी कह सकते हैं। तो सतत चर वे होते हैं जिनके लिए किन्हीं भी दो मानों के मध्य का प्रत्येक मान धारण करना संभव होता है, जैसे भार, लंबाई सतत चर हैं।
अतः किसी व्यक्ति वस्तु का भार पॉइंटों में यानी दशमलव में जो संख्या मापन की जाती है, जैसे आप कह सकते हैं सपोज दैट किसी व्यक्ति का वजन यानी भार आप तौल रहे हैं उसको, तो उसका वजन है 80.50, ठीक है, या 50 किलो यानी 50.5 किलो, 50 किलो 500 ग्राम, या 51 किलो 200 ग्राम, ठीक है, ये उसका वजन है। तो यहाँ पर इस प्रकार के मापन में जो संख्या आती है, रिजल्ट आता है, वो पॉइंटों में आता है, दशमलव में आता है, ठीक है। जैसे किसी व्यक्ति वस्तु का भार इतना, कपड़ा नापने वाला कपड़ा नापता है, तो जैसे आप कहते हो, आप जाते हो मुझे शर्ट चाहिए कितनी, 2.25 मीटर, तो यहाँ पर आ गया 2.25 मीटर। एक दूध मापता है, ठीक है, तो उसने आपने कहा 1.5 लीटर, तो 1.5 लीटर, ठीक है। तो यहाँ पर संख्या क्या है, पॉइंटों में आती है, दशमलव में आती है, तो ये चर सतत चर कहलाते हैं। इसकी जस्ट उल्टी अपोजिट असत चर कहलाते हैं, जो असत चर होते हैं इसके जस्ट अपोजिट होते हैं। इसमें जो मापन के द्वारा जो संख्याएं आती हैं वो संख्याएं पूर्णांकों में आती हैं, जैसे सीधे 40, 41, 30, 35, 36, 32, 80, जैसे वजन है सीधे 80 किलो आ गया, ठीक है, 50, 40, इस तरीके से ये संख्या हो सकती हैं। इसका कोई भाग पॉइंटों में नहीं हो सकता, इन्हें खंडित चर भी कहते हैं। ये चर सदैव पूर्णांक में ही होते हैं, अर्थात इनके मापन में प्रयुक्त संख्याएं एग्जैक्ट नंबर यानी अर्थात संख्याएं होती हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं इनकी विशेषताओं की। तो जो मात्रात्मक मापन होता है मात्रात्मक चर होते हैं, उसमें इनकी विवेचना की कोई विशेष आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वह स्वयं में अर्थयुक्त होता है। जैसे हम दूरी के बारे में हम नापते हैं, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, ठीक है, तो वहाँ पर पूर्व विवेचना करने की, इसको ट्रेस कर डिस्क्राइब करने की कोई आवश्यकता नहीं होती, वो तो स्पष्ट है। नेक्स्ट, इस मापन में गणितीय संबंध पाया जाता है, क्योंकि वह इकाई पर आधारित होता है, वो तो आप देख ही रहे हैं सारी संख्याओं के आधार पर, ठीक है। आप इसमें कह सकते हैं ये मापन स्थिर रहता है, ये आत्मनिष्ठ ना होकर वस्तुनिष्ठ होता है। आत्मनिष्ठ होता है आपका कौन सा, गुणात्मक जो मापन होता है वो आत्मनिष्ठ होता है। जैसे किसी एक टीचर की नज़र में कोई भी बच्चा अच्छा है, ठीक है, उसकी यानी कि कुछ विशेषताएँ उसको अच्छी लग रही हैं, ठीक है, हो सकता है वो सुबह सुबह गुड मॉर्निंग करता हो, गुड इवनिंग करता हो, ये ठीक है। तो यहाँ पर ये जो मापन है वो वस्तुनिष्ठ होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, जबकि जैसे आप कह सकते हैं मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा निबंधात्मक प्रश्न के उत्तर के मूल्यांकन में भिन्न भिन्न अंक प्रदान किया जाता है। एक स्टूडेंट मतलब कुछ स्टूडेंट्स के लिए निबंधात्मक प्रश्नों के उत्तर दिए, ठीक है, उनका अगर मूल्यांकनकर्ताओं के द्वारा मूल्यांकन किया गया तो 10 अगर मूल्यांकनकर्ता मतलब टीचर या साइंस उसको मूल्यांकन करते हैं, सब अपने अपने स्तर से करेंगे, ठीक है। निबंधात्मक में 15 नंबर का क्वेश्चन किसी ने 12 दिया, किसी ने 11 दिया, किसी ने 13 दिया, किसी ने 10 दिया, इस तरीके से। बट यहाँ पर हम बात कर रहे थे निबंधात्मक प्रश्न के उत्तर के मूल्यांकन की, तो विभिन्न भिन्न भिन्न अंक दिए जाते हैं। बट जैसे बोरे में रखी चावल की तौल, या किसी सब्जी की बात करें, या किसी सामान की बात करें, तो उसकी जो तौल है वो निश्चित होगी, 10 किलो, 50 किलो, 20 किलो, किसी व्यक्ति या वस्तु की जो क्वांटिटी है वो एक समान रहेगी, ठीक है। तो हम बात करते हैं, ये समझ क्लियर हो गया। जैसे ये हम जो एग्जांपल की बात कर रहे थे, हम दूध या से दूध लेते हैं 10 लीटर, 10 लीटर ही रहेगा, 10 लोग नापेंगे उसको तब भी 10 लीटर ही रहेगा, ठीक है। कपड़ा अगर 2.5 मीटर है तो 2.5 मीटर रहेगा, ठीक है छात्रों, ये टॉपिक। थैंक यू।